वेलकम बैक टू आवर चैनल वॉयस स्टोरीज। अगर आप फैमिली के साथ कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हो इन अ रिलैक्स वे, सो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। तो आज मैं आपको 9 days 8 nights का फुल ट्रिप प्लानिंग के बारे में बताऊंगी, उसके साथ शेयर करूंगी क्या गाड़ी यूज किया था, कहाँ पे वेदर कैसा था, ये सब कुछ मैं आज बताऊंगी। उसके साथ हमारा खुद का एक्सपीरियंस एंड इम्पॉर्टेंट टिप्स, जैसे हमेशा बताते हैं। मई और जून मंथ होता है टूरिस्ट सीजन टाइम, सो इस टाइम पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है हर एक प्लेस पे। तो आपको कुछ ऑफबीट प्लेस के बारे में बताएंगे जहाँ पे आपको क्राउड कम मिलेगा एंड यू कैन एंजॉय द सिटीनिटी ऑफ द प्लेस। शुरू करते हैं कश्मीर का ट्रिप प्लानिंग फॉर 9 days and 8 nights। वी विजिटेड कश्मीर एंड ऑफ मे 2022। हमारी ट्रिप में हमने कवर किया था श्रीनगर के साथ गुलमर्ग, सोनमर्ग एंड पहलगाम एंड दो ऑफबीट प्लेसेस दूधपथरी एंड सिंथन टॉप। हमने फ्लाइट लिया था हैदराबाद से श्रीनगर के लिए, नॉन स्टॉप फ्लाइट था। वी रीच देयर इन द इवनिंग। गाड़ी पहले से बुक कर चुके थे ऑनलाइन देख देख के। हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं हमेशा, जहाँ भी जाते खुद से जाते। लकीली वी गॉट दैट ड्राइवर वॉज वेरी गुड एंड हिज कार वॉज वेरी नीट एंड क्लीन एंड ही ड्राइव्ड ऑल्सो वेरी नाइसली, सो देर वॉज नो सिकनेस, मोशन सिकनेस आई फेल्ट इन द होल ट्रिप एंड द ड्राइवर वॉज देयर फॉर आवर होल 9 days। सो आई विल शेयर हिज डिटेल्स इन माई कमेंट सेक्शन, यू कैन चेक इट। चेक इन करने के बाद थोड़ा रिलैक्स किया। अंधेरा होने से पहले डाल लेक में 1 घंटा शिकारा राइड करके आ गए, वो पास में ही था इसलिए इजी था हमारे लिए। सीजन है इसलिए बहुत ज्यादा प्राइस मांगते हैं ये लोग, 3000-4000 कोई लिमिट नहीं है, बट कैसे भी बार्गेन करके हमने 1600 फॉर 1 hour के लिए मनाए, बट आई फेल दिस इज ऑल्सो टू हाई। मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना, कश्मीर में कहीं पे भी प्रीपेड सिम नहीं चलता है, आपको पोस्टपेड सिम लेके जाना है। एयरटेल एंड BSNL का पोस्टपेड सिम बहुत अच्छे से चलता है, हमारा एयरटेल था, बाकी कोई भी कनेक्शंस अच्छे से नहीं चलता है। आई हर्ड लॉट्स ऑफ पीपल कंप्लेनिंग अबाउट इट। नेक्स्ट डे हमारा डेस्टिनेशन था दूधपथरी। श्रीनगर से 1.5 hours का ड्राइव होता है, इट्स वेरी नियर, सो अच्छे से ब्रेकफास्ट करके निकल जाओ। वहाँ जाने के बाद यू हैव टू टेक हॉर्स राइड एंड ट्रस्ट मी दैट हॉर्स राइड इज वेरी नाइस। दे टुक यू इन फ्रॉम द मिडोज एंड दैट इज नॉट वेरी टफ एंड देयर वाज अ गाइड पर हॉर्स, सो दे विल टेक यू सेफली। बट याद रखना दूधपथरी जाते समय प्लीज कैरी योर विंटर जैकेट्स, बिकॉज दूधपथरी का मेन जो प्लेस है जहाँ पे स्ट्रीम्स वाटर स्ट्रीम है, दैट प्लेस इज सुपर कूल, सो यू विल रिग्रेट इफ यू डोंट कैरी योर विंटर जैकेट। दूधपथरी का हमारा ऑलरेडी एक वीडियो निकल चुका है, तो आप एक बार वहाँ पे हमारा चैनल में जाके चेक कर लो। वापस आने के बाद वी वेंट टू द डाल लेक एंड वी रोम अराउंड, देर आर लॉट्स ऑफ ईटरीज। वहाँ पे एक स्ट्रीट फूड मिलते हैं मेनली कबाब्स एंड द कबाब्स आर सुपर टेस्टी होता है। उसके साथ एक पराठा टाइप देते हैं, एक ब्रेड बोलते हैं कश्मीरी ब्रेड। नेक्स्ट डे श्रीनगर में साइट सीइंग का पहला स्टॉप जो हमारा था दैट इज शंकर आचार्य टेम्पल। तो एक टिप्स आपको जरूर दूंगी, जब भी आप साइट सीइंग करने निकलो बहुत सुबह सुबह निकलो 7 to 8 के बीच में, अगर इससे ज़्यादा लेट हो जाए तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा श्रीनगर में। मेनली शंकर आचार्य टेम्पल को पहले कवर करो, अदरवाइज यू हैव टू वॉक अ लॉट अप हिल टू रीच द शंकर आचार्य टेम्पल। अदरवाइज यू कैन टेक योर कार वेरी नियर टू द शंकर आचार्य टेम्पल एंड पार्क देयर। शंकर आचार्य टेम्पल के बाद मुगल गार्डन्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो, 4 मुगल गार्डन्स है। ऑलमोस्ट एवरी मुगल गार्डन्स आर सिमिलर टाइप बट दे हैव देयर ओन ब्यूटी। हम लास्ट में गए हजरत बल, दैट इज अ मुस्लिम श्राइन। पूरा शाम आप वहीं पे बैठ के या खड़े होके आप गुजार सकते हो, इतना ब्यूटीफुल है। उसके बाद आप चाहो तो एक्सप्लोर द मार्केट्स, बिकॉज श्रीनगर में ही आपको बहुत अच्छे अच्छे विंटर ड्रेसेस मिलेंगे, विंटर जैकेट्स, विंटर शॉल्स,
ponchos, so many types of things and very reasonable price. Other places is very costly and you will not get so many varieties over there. Next day hum Srinagar ke hotel se check out karke Gulmarg ki taraf chale. Srinagar to Gulmarg ke distance hai only 2 hours max. Many people they want to do a day trip from Srinagar to Gulmarg. Gulmarg is very beautiful place. JKTDC ka अपना हट्स है जो बहुत सुंदर प्लेसेस में बना हुआ है. इट वॉज ब्यूटिफुल. सो वी बुक्ड फ्रॉम ऑनलाइन ओनली JKTDC हट्स. आई विल गिव द इन्फॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, सो प्लीज चेक इट आउट. चेक इन करने के बाद हमने गोंडोला राइड के लिए निकल. गोंडोला राइड के लिए आपको टिकट्स ऑनलाइन लेना पड़ेगा. मे एंड जून इज द क्राउडेड टाइम वेर यू विल गेट लॉट्स ऑफ क्राउड एंड यू हैव टू stand on big queues to get in the ride. This queue is not for the ticket counter, this is for getting in the ride. And also book the ticket at least 2 to 3 days before. We booked around 1 month before because us time pe ticket milna bahut mushkil hota hai. Jaise maine bola, bahut jyada crowded hai gondola ride, but trust me, it's worth to visit. हाँ, वन मोर थिंग. श्रीनगर से गुलमर्ग का टेम्परेचर 10 डिग्री कम रहेगा. अगर वहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पे 10 डिग्रीज होगा. इवन इफ यू आर प्लानिंग टू गो फेज 2, देन कैरी योर विंटर जैकेट्स और स्नो जैकेट्स. इफ यू फॉरगेट, यू विल गेट इट इन रेंट, बट दैट विल बी टू कॉस्टली. सो बेटर carry it or wear it and go. So इतना ही था हमारा गुलमर्ग का वन नाइट स्टे. नेक्स्ट डे गुलमर्ग से निकलने का मन तो नहीं था, बट हमें जाना था सोनमर्ग. सुबह सुबह निकल गए गुलमर्ग से. रास्ते में वी फाउंड एप्पल फार्म वेर वी सॉ स्मॉल स्मॉल एप्पल्स ग्रीन कलर. ऑल्सो वी सॉ चेरी ट्रीज फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. बहुत सारे अखरोट के ट्रीज देखे हमने रस्ते में. ऑल दिस एक्सपीरियंस इज वेरी नाइस. जब हम सोनमार्ग पहुंचे दैट इज ऑलरेडी 11 o'clock. सोनमार्ग का जो होटल था दैट वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल. ग्लेशियर हाइट्स होटल नेम था. तो पूरा डिटेल्स मैं दे दूंगी, आप बाद में देख लेना कमेंट बॉक्स में. सो आप हमारे साथ पूरे वीडियो को देखिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स मिलेगा आपको. सोनमर्ग एंड पहलगांव में घूमने के लिए आपको श्रीनगर का कार अलाउड नहीं है. यू हैव टू टेक अनदर कार फ्रॉम द लोकल टैक्सी स्टैंड, वही आपको घुमाएगा. सो हमारा होटल मार्केट के एकदम पास में था, जस्ट वॉकेबल डिस्टेंस. लंच वहीं पे कर लिया एंड वी बुक्ड अवर हॉर्स राइड टू ताजीवर्स ग्लेशियर. अगर आपको एडवेंचरस राइड पसंद है तो यू डेफिनेटली ट्राई दे. द वे दे टुक द हॉर्सेस आर वेरी नॉट सो गुड एरिया, सो आई फील इट्स वेरी डेंजरस, बट इट वॉज नॉट. पीपल विद द हॉर्स रियली हेल्प यू टू ओवरकम योर फियर, बट स्टिल इफ यू फियर ए लॉट टू राइड ए हॉर्स, डोंट ट्राई दिस. बट इफ यू लाइक इट, डेफिनेटली ट्राई दिस हॉर्स राइड टू ताजीवर्स ग्लेशियर, बिकॉज when you reach there the view of it is super super beautiful. You can't imagine, in one frame you can capture snow capped mountain, green meadows and cold streams flowing in between. There you can also see snow over there. वापस आते समय बहुत ज्यादा बारिश मिला हमें. We got drenched out because we do not carry any raincoats. एक चीज मैंने देखा इस सीजन में, बारिश हमेशा अचानक आ जाते हैं यहाँ पे. मतलब पहाड़ों में यू कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हेन द रेन विल कम. सो जब भी आप कोई भी जगह पे आप प्लान करते हो घूमना, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में खत्म कर लो मैक्सिमम, ताकि रेन के वजह से आपका ट्रिप खराब ना हो. सरप्राइजिंगली हम पूरा भीग चुके थे, इतना ठंडी का मौसम था एंड वेदर बिकम सुपर कूल, बट वी डिड नॉट गेट एनी फीवर और एनी कोल्ड, नॉट इवन ए स्निच. सो नाइस राइट.
वो बोलते हैं ना पहाड़ी हवा में मेडिसिन होते हैं, सो इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट डे हम साइट सीइंग करने निकले, कार पहले से बुक कर लिया था, तो सुबह सुबह निकल गए। हमने कवर किया जोजिला पास 0 पॉइंट, ऑल्सो हमने देखा जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होता है, एंड लास्ट में वी वेंट टू कारगिल मेमोरियल। उसके लिए हमें लद्दाख में एंट्री करना पड़ा। पहले हम जोजिला पास से होके 0 पॉइंट पहुंचे। जोजिला पास है दुनिया के सबसे खतरनाक रास्ते में से एक, तो ऐसे रास्ता एक साइड कम्प्लीटली खाई है और एक साइड में पहाड़ है, जो भी ऐसा पहाड़ है जहां से कभी भी पत्थर गिर सकता है आपके ऊपर। सोनमार्ग के 0 पॉइंट में आपको स्नो मिलेगा, बट बहुत कम, फिर भी वहां पे स्नो एक्टिविटीज होते हैं, बट आई फील नॉट ओट एंड स्नो बाइक्स के वजह से ब्लैक मार्क्स आ गए हैं, तो नॉट सो गुड, बट इट्स ओके टू विजिट वंस। सारी जगह का वीडियो भी हमने ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं सोनमार्ग के ऊपर, तो आप जाके देखो कैसा था हमारा एक्सपीरियंस। ये पूरा ट्रिप एक डे ट्रिप था, तो सुबह जाके हम वापस आए तो तब तक शाम हो चुका था। ऑन द वे वी हैड लंच आफ्टर रीचिंग लद्दाख। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, आई फॉरगॉट टू से इन द बिगिनिंग, हर जगह पे कश्मीर में आपको ब्लैंकेट देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट बोलते हैं इसको। ये खासियत है कश्मीर में, कहीं पे भी जाओ किसी भी होटल में आपको ये ब्लैंकेट जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डे सोनमार्ग से हम पहुंचे पहलगांव, बट ये पहुंचने का जो जर्नी है 6 आवर्स का जर्नी था। टायर्डनेस नहीं लगा क्योंकि हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉप लेते हुए जा रहे थे, जहाँ पे फर्स्ट थिंग इज क्रिकेट बैट मेकिंग फैक्ट्री। तो वहाँ पे कश्मीर में विलो ट्रीज बहुत होते हैं, जहाँ जिससे इंडियन क्रिकेट टीम में क्रिकेट बैट्स बनता है, जो यहीं से जाता है, एक यहाँ से जाता है और एक इंग्लैंड से जाता है। कैसे बनता है फुल डिटेल्स वहां जाके वो शॉप ओनर सबको बता देगा। तो लॉट्स ऑफ शॉप्स है ऐसे, आप कोई भी शॉप में जाओ दे विल गिव यू अ डेमो। तब हम पहुंचे जहाँ पे केसर का स्टोर्स था, जहाँ पे केसर से बना हुआ डिफरेंट थिंग्स आपको देखने को मिलेगा। वहां पे कैसे केसर बनता है वो भी दे कैन शो यू एंड टेल यू, एंड यू कैन बाय फॉर योर होम एंड योर सेल्फ। नेक्स्ट थिंग हम गए थे एक मंदिर में, सूर्य मंदिर है, बहुत साल पुराना 1300 BC का एक सूर्य मंदिर में हम गए थे। उनका आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है। वो हमारा लास्ट स्टॉप था, तो ऐसे ही हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉप लेते हुए जा रहे थे एंड हम पहुंचे ऑलमोस्ट 3 or 4 o'clock टू पहलगांव। पर पहलगांव का जो होटल था दैट इज ऑल्सो ए वेरी ब्यूटिफुल, रस्ते के ऊपर ही होटल था एंड द होटल के बैक साइड से वाटर स्ट्रीम जा रहे थे एंड बैक साइड में एक स्मॉल गेट है जहां से हम स्ट्रीम के पास जाके बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट डे हम गए सिंथन टॉप। पहलगांव से सिंथन टॉप ओनली 2.5 hours का ड्राइव है, तो हमारा जो श्रीनगर का एक गाड़ी था वही हमें लेके गया एंड वापस भी लेके आए। रिमेम्बर दिस दैट जितने भी जगह पे आपने स्नो देखा होगा, लाइक गुलमार्ग के सेकेंड फेज में, सोनमार्ग के 0 पॉइंट में, ताजीहस ग्लेशियर में भी एक 0 पॉइंट है, वहां पे भी स्नो है, बट सिंथन टॉप का जो स्नो मिलेगा आपको वो बहुत ज्यादा स्नो है बाकी सारी जगह से। यहाँ पे भी स्नो एक्टिविटीज होते हैं, सो यू कैन एंजॉय मोर देन एनीवेयर एल्स। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, प्लीज गो एंड विजिट एंड वॉच इट। नेक्स्ट डे वी हायर्ड अ लोकल टैक्सी फ्रॉम द टैक्सी स्टैंड एंड वेंट फॉर द साइट सीइंग इन पहलगांव। तो हमारा कवर करने का प्लान था आड़ू वैली, विता वैली एंड चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी इज द प्लेस फ्रॉम वेयर पहलगांव से अमरनाथ यात्रा शुरू होता है।
विश यू हैप्पी यात्रा। आड़ू वैली एक पार्क जैसा है, बहुत बड़ा एरिया लेके एक पार्क है और यहाँ पे एंट्री फी है एडल्ट्स के लिए 100 रुपीज एंड किड्स 6 to 12 ईयर्स के अंदर है तो 50 रुपीज, उससे बिलो फ्री है। तो मुझे इतना अच्छा लगा नहीं, अनफॉर्चुनेटली बेताब वैली हम जा नहीं पाए बिकॉज हमारा ये जो लोकल ड्राइवर था साइट सिंह के लिए दैट वाज वेरी बैड। उनका ड्राइविंग इतना रफ था कि मेरी बेटी को मोशन सिकनेस आ गया एंड शी स्टार्टेड वॉमिटिंग। सो समहाउ वी हैव टू कैंसल बेताब वैली एंड कम बैक टू होटल। बहुत लोग सोचते हैं कि कश्मीर सेफ नहीं है, बट ट्रस्ट मी, कश्मीर इज कम्प्लीटली सेफ एरिया। तो बिंदास जाओ और फुल मस्ती करो, जैसे हम गए थे ये सोच के कि कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे, बट जब वापस आए तो साथ लाए बहुत सारे मस्ती वाले यादें। सामने आर्मी डीजे आ रही है, बड़ा मजा आया मुझे आज तो। एंड वहाँ के लोगों का प्यार और अपनापन। सो थैंक यू कश्मीर, हो सके तो लाइफ में फिर से आएंगे और जो छूट गया वो भी एक्सप्लोर करेंगे एंड आप लोगों से फिर से मिलेंगे। आई होप आपको हमारा टूर प्लान अच्छा लगा है। अगर आप हमारा इटिनरी फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। थैंक यू, सी यू इन आवर नेक्स्ट ब्लॉग।